नमस्कारम और हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित माखीजा। अब जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो जानते हैं कि मैंने ईशा से रुद्राक्ष माला मंगवाई थी। मैंने उसका भी जब मंगवाई थी कैसे उसको कंडीशनिंग करते हैं वो थोड़ा बहुत बताया था, पर वो क्लियर नहीं था। आप चाहो तो आई बटन में चेक कर सकते हो वो भी। लेकिन आज मैं उसका अच्छे से कंडीशनिंग करूँगा कि क्या क्या उसमें ज़रूरत होती है, किस किस चीज़ से आप कर सकते हो, किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हो ताकि आपसे गलती ना हो और आपकी रुद्राक्ष माला की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए। और ये भी अकॉर्डिंग टू ईशा है, पूरा जैसा ईशा ने बोला वही प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ की चीज़ मैं लेता हूँ वहीं के रूल में फॉलो करता हूँ। तो उसी तरह आप करें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। और बहुत ही सिंपल है इसको कंडीशनिंग करना है इसकी, और उसके बाद क्या करना है, आप कैसे धारण करेंगे, ये सब मैं आपको बता दूंगा। और कुछ बातें जो बीच में चलती रहेंगी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट प्लीज़ स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर कोई स्टेप आपकी चूकी तो फिर आप गाली मुझे ही दोगे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो है मैं घी के साथ कर रहा हूँ। तो घी के साथ आप करते हो, ये बात ध्यान रखें कि आप कोई भी तीन बाउल यूज़ कर सकते हैं, या तो मड का या वुड का या ग्लास का, ठीक है। आप इन तीनों के अलावा मेटल वगैरह स्टील वगैरह यूज़ नहीं करें। हाँ, अगर आप कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर आप नहीं यूज़ करें, ईशा मना करता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो मिल्क एंड घी के साथ केमिकल रिएक्शन कुछ कर सकता है जिसका लाइफ पे फ़र्क आएगा रुद्राक्ष की, तो आप उसके साथ उसको नहीं यूज़ करें। हाँ, आप रुद्राक्ष कॉपर जो बर्तन उसमें रख सकते हैं, पर जब आप कंडीशनिंग करेंगे तब आप यूज़ नहीं करेंगे। तो ये है घी, सब जानते हैं, ये कांच का बाउल है और ये रुद्राक्ष माला है। अब इसको करना क्या है आपको, कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है। बस आप इसको इसके अंदर डिप कर देंगे, ये इसके अंदर डिप हो चुकी है, ये पूरी तरह इसमें डिप रहेगी। बस इसको आप कुछ नहीं करेंगे, 24 आवर्स तक छोड़ देंगे, और 24 आवर्स के बाद इसमें से निकाल के हम इसको नेक्स्ट में डालेंगे, वो है मिल्क। तो अब इसको 24 आवर्स तक हम इसमें ही रहने देते हैं, साइड में कोई कवर वगैरह कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसको आप साइड में रख दें। तो ये 24 आवर्स हो चुके हैं, अब ये घी में डूब चुका है, अभी घी देखो कैसे ड्राई हो रहा है। तो ये माला इसमें डूबी हुई है, अब हमको इसको मिल्क में डालना है। तो अब हम ये दूध ले लेंगे। अब दूध का आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दूध आपको कच्चा लेना है, और दूसरी बात जो दूध है वो फुल फैट का रहेगा। ये स्किम मिल्क वगैरह आते हैं, आपको नहीं लेना है फैट फ्री मिल्क, आपको ये फुल फैट वाला मिल्क लेना है। तो बस आप कुछ नहीं करें, इसको इस माला से निकाल लें, माला को इस घी में से निकालना है। इसमें जो एक्स्ट्रा घी एक्सेसिव घी उसको आप ऐसे फिंगर से पकड़ के निकाल लेंगे। घी निकल चुका है, अब इसको ऐसे के एज इट इज आप दूध में डाल लेंगे, वो भी याद रखें फुल फैट, और बाउल दूसरा लेना है, कांच का ही लेना है। तो अब ये जो घी बचा है इसका मैं क्या करूँ, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। कुछ नहीं करें, आप इसको पूजा घर में यूज़ करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इस घी को आपको खाना नहीं है, क्योंकि इसमें जो डर्ट वगैरह होगी, आपकी माला आपने पहनी होगी, या फिर इसमें जो कलर वगैरह निकलता है, और जब ये रुद्राक्ष माला आपको मिलती है तब इस पर इसको मड लगाई जाती है इस पर, ताकि ये ओरिजिनल कंडीशन में रहे अपनी, जैसे पेड़ से टूटता है वगैरह। तो इसको आप इसमें डालेंगे जब आपको फर्स्ट टाइम मिलेगी, तो इसमें वो जब आ जाएगा तो आपको इसको खाना नहीं है। आप इसको सबसे बेस्ट है पूजा में यूज़ करें, फेंकें नहीं इस घी को, पूजा वगैरह में यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करूँगा। नहीं तो आप फ्रिज में रख दें नेक्स्ट 6 महीने के लिए, पर वो पॉसिबल नहीं होगा, बेस्ट पूजा ही रहेगी। तो अब जब ये मिल्क से निकालूंगा मैं, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा 24 आवर्स के बाद। तो अब ये 24 घंटे हो चुके हैं मिल्क में रखने के बाद, अब ये मिल्क पता नहीं क्या बन गया है, खट्टा पनीर या दही। अब इसमें से निकालेंगे, उससे पहले आपको एक कॉटन का क्लोथ चाहिए या कोई भी क्लोथ जो साफ़ हो उसको लेके आप इसको रब करेंगे, क्योंकि ये सबसे मेसी पार्ट है। मतलब इसके बाद ये निकलने के बाद, अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कितना ज़्यादा खचपच हो जाता है, क्योंकि दूध फट चुका है, ये देख रहे हो आप। अब ये सबसे मेसी पार्ट है, तो अब आप क्या करो, या तो आप इसको पानी से वॉश करना, लेकिन है ना सोप वाटर नहीं होना चाहिए, आप या तो इसको पानी से वॉश कर लो, नहीं तो आप है ना सबसे बेस्ट है ये कॉटन के क्लोथ में इसको रब करो। इसको साइड में रख देते हैं अपन दही को। तो अब इसको आप कॉटन के क्लोथ में ले लो और इसको रब कर लो आप, तो ये आपका थोड़ी देर में साफ़ हो ही जाएगा। चलो मैं साफ़ करता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो ये गाइस ऐसे नहीं साफ़ हो गई है, इसको टाइम लगेगा साफ़ करने में। तो आप बस इसको कॉटन के क्लोथ से साफ़ करते रहें, जैसे ये साफ़ हो जाएगी मैं आगे का बताऊँगा आपको क्या करना है। तो ये माला पूरी तरह चमक गई, आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी हो गई,
बिल्कुल चमकदार माला हो चुकी है ये। अभी इसमें थोड़े थोड़ा घी और वो जो ऑयल है वो निकालना बाकी है, क्योंकि मैंने इसको वाटर से नहीं धोया, मैंने बस जो कपड़ा था उससे ही धोया। अब देखो एक तरीका और है, अगर ये आपके पास ये थोड़ी स्मेल करेगी, ये आप ध्यान रखना, थोड़ी स्मेल आएगी तो आप इसको मंदिर में रख दो कॉटन के क्लॉथ में एक दिन के लिए। और अगर आप नहीं रख सकते, नहीं पहनना है आपको, तो एक तरीका और है जो ईशा बताता है। तो अब जो ईशा कहता है वो ये है कि आप है ना, ये जो ईशा से विभूति आती है या फिर आपके घर में कोई विभूति हो मंदिर से आप लाए हो, उसको आप ऐसे हाथ में ले लोगे, ठीक है। और उसके बाद हाथ में लेने के बाद आप ये माला लोगे और इनके जो मोती हैं इस पे ऐसे ऐसे रब करोगे। इससे क्या होगा, जो एक्सेसिव ऑयल होगा वो सारा जो इस पे चिपक जाएगा और आपकी ये ना जो स्मेल वगैरह आपको आ रही थी वो नहीं आएगी। ये देखो ये विभूति इस पे चिपक जाएगी और ये इसको ड्राई कर देगी अच्छे से। थोड़ी देर आप इसको ऐसे रब करेंगे तो ये हो जाएगा। बस ऐसे ऐसे आप थोड़ी थोड़ी विभूति लेते रहें और ये ऐसे ऐसे ड्राई अप करते रहें इसको, ये ईशा बोलता है। ये आप ऐसे ऐसे इसको ड्राई अप कर सकते हैं, देख रहे हो, ये भी एक तरीका है जो आप इसको ड्राई कर सकते हैं। तो ये मैं कर लूँगा अभी। तो यही था, इसको मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया और विभूति लगा के भी दिखा दिया कैसे आप ड्राई कर सकते हैं। मैंने वाटर से नहीं धोया, आप चाहो तो वाटर से इसको धो सकते हो। हर हर महादेव। तो यही था कंडीशनिंग करने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हो, नहीं तो ईशा उसके साथ एक छोटी सी गाइड देता है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आप ये बात याद रखिए कि इसको हर 6 मंथ करना है, क्यों, इसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। इसकी एनर्जाइज से कोई लेना देना नहीं, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए या फिर रुद्राक्ष में पावर आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका लेना देना। ओनली ये इसकी कंडीशनिंग इसलिए होती है क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। तेल वगैरह पिलाना पड़ता है, आप जानते हो। आप याद रखना कि वो बर्तन का जो मैंने आपको बताया था, वुड मड एंड ग्लास यूज़ कर सकते हो। आप इन गोल्ड एंड सिल्वर वाला भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास वो बाउल वगैरह हो या कुछ हो, लेकिन आप कॉपर नहीं यूज़ करोगे। हाँ, आप सूखी माला कॉपर में रख सकते हो, लाइक ऐसे ही रख के मंदिर में रख दी आपने या कॉपर में वेसल में रख दी, पर आप कंडीशनिंग कॉपर के साथ नहीं करना, नहीं तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। बस यही बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है कंडीशनिंग के टाइम, और आपको हर 6 मंथ करनी है। और हर साल आपको जो मैंने बताया कि आप इसके कंडीशनिंग कर रहे हैं, हर जब 1 ईयर हो जाएगा पूरा तो आप इसको फिर तिल के तेल से इसकी थोड़ी मालिश वगैरह कर देना, नहीं तो उसमें भी थोड़ी देर डिप करके रख देना, वो भी बोलता है ईशा, सीसम का जो ऑयल होता है। तो बस यही था वीडियो, और आपको कुछ जो भी पूछना हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला, या मुझसे कुछ चोक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उसके साथ जिसको, जिसने रुद्राक्ष मंगवाया, नो मैटर आप कहीं से भी रुद्राक्ष लो, कंडीशनिंग करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप किसी और से ले रहे हो तो उनके रूल फॉलो करना, ठीक है, कंडीशनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनके रूल फॉलो करो जहाँ से आप ले रहे हो, नहीं तो आप इसकी भी कंडीशनिंग कर सकते हो। और वीडियो को लाइक भी कर देना यार प्लीज़, आपको अच्छा लगा, आपकी हेल्प हुई हो, अगर आप अभी तक रुके हुए हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम और बाय बाय।